नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ऑनली के माध्यम से। दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2024 और आज की जो बड़ी अपडेट होने वाली है वो SSSC CPO 2024 के रिजल्ट को लेकर होने वाली है और इसकी कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे, साथ ही साथ इसका फिजिकल कब तक होगा इसको लेकर भी बात करेंगे। क्या 23 अगस्त को ये रिजल्ट जारी हो सकता है, इसको लेकर दोस्तों हमें और हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के माध्यम से पूरा स्कोर जो है, सेफ स्कोर, फिजिकल का स्कोर और रिजल्ट कब तक आ रहा है उसकी अपडेट पर बात करेंगे। इससे पहले मेरे आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दोस्तों, आज की इस अपडेट में क्या किया जा रहा है, SSC CPO 2024 लिंक द रिजल्ट ऑफ द SSC CPO एग्ज़ाम 2024 इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड एक्सपेक्टेड ऑन 23 अगस्त। दोस्तों, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 23 अगस्त को जारी हो सकता है। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार समझ जाइए 23 अगस्त तक जारी होने की एक प्रबल संभावना है। और अगर अपन बात करें इसके कट ऑफ को लेकर, तो हमने दो पोल करवाए थे पेपर के लेवल को लेकर। 10% बच्चों ने पेपर ईजी बताया, 15% बच्चों ने मीडियम बताया और 7% बच्चों ने पेपर हार्ड बताया। तो पेपर का लेवल दोस्तों मीडियम था, इसके कारण कट ऑफ भी जो है मीडियम ही जाएगी, ज़्यादा हाई लो नहीं जाने वाली है। दूसरा ने पोल करवाया था कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस रेंज में आ रहे हैं, तो 23% बच्चों के जो मार्क की रेंज है वो 120 और 130 के बीच में है। तो ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 120 और 130 के बीच में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके लिए एक सेफ स्कोर देखें तो हमें 120 और 130 का स्कोर ही मिल रहा है। तो इसके स्कोर के बीच में तो आप फिजिकल की तैयारी करें, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ तो इनका कट ऑफ ये जा सकता है। सारी कैटेगरी वाइज का कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों मेंशन है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।